सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की हम एग्ज़ाम के एनालिसिस कर लेते हैं। आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्ज़ाम की एनालिसिस करने वाले हैं। 29 अगस्त के सारे शिफ्टों की एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम किस किस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी आज हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। और आपको एक दो हिंट्स बता देंगे जिससे आपके एग्जाम में इस बार बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में से दोस्तों कल 5 क्वेश्चन पूछा गया था, बट आज 7 से 8 पूछा जा रहा है। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से भी आज 5 जैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, सारे शिफ्टों की मैं बात कर रहा हूँ। और आप सभी को जान के एक बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों कि मैंने बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट की जितने सारे वीडियो आपको करा रखी है, सारे के सारे सवाल उसी के अंदर से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन भी दोस्तों अभी तक के शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि बाहर से आया हो। सारे की सारे सवाल जितना मैंने आपको करा है, टोटल 100% आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपके एग्जाम में लड़ पा रहा है और आप सभी अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं। अगर जो आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वीडियो के अंत में आप देख लीजिएगा, 2 घंटे 40 मिनट की अप्रोक्स की होगी। टोटल मैंने कंबाइन कर दी है, कंप्यूटर की भी मैंने कंबाइन कर दी। कंप्यूटर से भी आज बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर गए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही। तो देखिए, दो वीडियो अप्रोक्स 3 आवर के दो वीडियो है, एक है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट पे और बेसिक ऑफ कंप्यूटर पे। और ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर एनटीपीसी एग्जाम, तो वहाँ से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एक दो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और देखिए, ये सब तो हम बात करते ही रह रहे हैं, अब हम बात कर लेते हैं किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज के एग्जाम में आपको केमिस्ट्री से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको सबसे पहली चीज तो याद करके रखनी चाहिए दोस्तों कि आपको 1 से लेकर 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेनी है। अभी आने वाले शिफ्टों वाले सारे स्टूडेंट याद रखें, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन भी आपकी बन रही है तो बहुत ही वही 1 से 2 नंबर आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। तो आप बिल्कुल लाइटली ना ले ये सब चीज़ को। ठीक है, और देखिए, टेक्निकल की बात किया जाए तो बहुत सही बात है दोस्तों, सारे स्टूडेंट ने हमें बताया है कि पेपर आज की आउट ऑफ सिलेबस आ गई। तो हाँ जी बिल्कुल, तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस तो आ गए, वो सही बात है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस बस आपके लिए नहीं है, जितने सारे स्टूडेंट है सबके लिए है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जो 3-4 क्वेश्चन जो आप छोड़ देते हैं एग्जाम में लाइटली लेकर के छोड़ देते हो, तो ये सारी चीज़ अगर जो आप सही कर लेंगे दोस्तों, तो यही आपका मेरिट तय करेगा। तो इस बात को आप अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 से 30 तक की आपको क्या याद करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने उसकी वीडियो भी दोस्तों डाल रखी है, मैं लिंक यानी कि मैं अपने वीडियो के अंत में प्लेलिस्ट दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आपको केमिस्ट्री की सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे वीडियो देख लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियो है, और आप वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने 1 से 30 तक की याद करने की ट्रिक भी आपको बताई, आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज पूछा गया था कि आज के शिफ्ट में मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में तो आज आपको एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी, और पूछी गई थी कि उसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों एल्युमिनियम के एटोमिक नंबर कितनी होती है, एल्युमिनियम की 13 होती है, तो कैसे तोड़ेंगे आप, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए कितना हुआ, ये 10 हो गया, 12 हो गया, और क्या हो गया, 3s2 हो गया, और 3p1। तो देखिए यहाँ पे आपकी टोटल, यहाँ पे काउंट करेंगे आप सबको तो आपके 13 हो गया, यानी कि p ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। तो इसी तरह से आपको सारे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको सारे की एटॉमिक नंबर याद करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आपको क्या याद करनी पड़ेगी दोस्तों, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर, ये सब सारी चीज़ें पता होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आज के देखिए एक और सवाल पूछा गया था दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी सवाल पूछी गई थी आपको। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन कौन सी है, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सी है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैलोजन कौन है दोस्तों, तो फ्लोरीन होती है, आपको अच्छे से पता होगा। तो ये सारी चीज़ आपको अच्छे से लेकर के जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ दोस्तों एक दो क्वेश्चन आप लाइटली नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी नौकरी की सवाल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आज के हमारे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में से कौन कौन सी सवाल है, फिजिक्स केमिस्ट्री की हम बात कर लेंगे, और एडिशनल चीज़ भी आपको बता देंगे जो आपको आने वाली शिफ्ट में ध्यान देके चलना है। देखिए सबसे पहला बात दोस्तों, यहाँ पे आज आपको फिर से एक सवाल पूछ दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, फिर एक सवाल पूछा गया दोस्तों। देखिए लास्ट शिफ्ट में यानी कि 28 अगस्त वाले शिफ्ट में आपको एक शिफ्ट में पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, बट आज के सवाल में आपको दोस्तों ऐसा पूछा गया था कि ओजोन की डिप्लेशन जो होती है वो
कौन से प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है, ये आपको इस सवाल में आज की शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। से सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बस घुमाया जा रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। और दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था मैंने कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप जान लीजिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में हमारे क्योटो प्रोटोकॉल से भी सवाल ले लिया गया है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से पूछा गया था दोस्तों सवाल आपको कि क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आपकी क्योटो प्रोटोकॉल कनेक्टेड है। अब देखिए एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब याद रखिएगा दोस्तों इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब हुई थी, ये भी आज पूछा गया था दोस्तों। तो ये 1987 को हुई थी। तो ये सारी चीज आपको याद करके रखने पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। और एक और सवाल दोस्तों यहाँ पे आज आपको पूछा गया है कि ये जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है, ठीक है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा है, एयर पोल्यूशन की इंडिकेटर कौन है। ऑप्शन आपको दिए गए थे फंगी, एल्गी, ठीक है, लाइकेन, और यहाँ पे आपको दिया गया था एजेटो वेक्टर। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि एयर पोल्यूशन की इंडिकेटर कौन करवाता है। दोस्तों इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइकेंस, मैंने आपको बताया था लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी, यानी कि फंगी प्लस एल्गी दोनों को मिला करके दोनों के बीच की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसे हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन क्या करती है दोस्तों, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। और देखिए एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है तो आपको आने वाले शिफ्ट में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि रिलेट करके सवाल एक रहती है, तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या होगा दोस्तों। लाइकेन जो आपकी एयर पोल्यूशन बताता है वो किस चीज़ की प्रेजेंस में बताता है, यानी कि कौन सी केमिकल के अगेंस्ट वो एक्शन करता है। तो दोस्तों ये करता है सल्फर डाइऑक्साइड के अगेंस्ट, ठीक है। तो लाइकेंस आर एसओ टू इंडिकेटर, सिंपली यहाँ पर जो हम बात करें तो लाइकेंस क्या है आपकी एसओ टू इंडिकेटर है। दोस्तों कल ही मैंने आप सभी को बताया था आर्गन के बारे में, आपको याद होगा मैंने आपको आर्गन के बारे में बताया था कि आपको सवाल पूछा गया था कि सबसे ज्यादा कौन सी केमिकल आपके एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। तो उसी के दौरान मैंने आपको एक बात बताया था आर्गन के बारे में कि आर्गन एक ऐसी नोबल गैस है जो सबसे ज्यादा आपकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और दोस्तों आज बस सेम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला, आज आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों सबसे मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस। तो दोस्तों मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस कौन है आपकी, आर्गन है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक और सवाल दोस्तों आज आपकी लास्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछी गई थी फोटोकेमिकल स्मोक से, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक से। तो फोटोकेमिकल स्मोक से क्या सवाल थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक में आपको पूछा गया था, यहाँ पे आपको पूछा गया था कि फोटोकेमिकल स्मोक जो होती किस किस चीज़ के रिएक्शन के बीच में होता है। दोस्तों फोटोकेमिकल स्मोक में मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड प्लस आपकी यहाँ पे ओजन, ठीक है, ओजोन गैस और परोक्साइल एसीटेट नाइट्रिल जो मैंने आपको बताया था वो, और किसके प्रेजेंस में होनी चाहिए दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में होनी चाहिए, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होनी चाहिए। तो ये सब की कॉम्बिनेशन पे आपको फोटोकेमिकल स्मोक मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि सारी चीज दोस्तों मैंने आपको करा रखी है, एक भी सवाल ऐसा नहीं कि बाहर से पूछा जा रहा हो। एक सवाल दोस्तों आज आपको पूछा गया था कि जो आपकी थर्मल पावर प्लांट होती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट जो होती है आपकी, थर्मल पावर प्लांट से कौन सी गैस रिलीज होती है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी रिलीज होती है। तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से मैंने आपको बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी, लेकिन थर्मल पावर प्लांट से जो सबसे हार्मफुल गैसेस है दोस्तों, जो पोल्यूट करता है आपके, यानी कि मेन गैसियस पोल्यूटेंट अगर जो हम बात करते हैं तो वो आपकी कौन है दोस्तों, एसओ टू, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि आपके थर्मल पावर प्लांट से आता है। सो एसओ टू कहाँ से आता है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, थर्मल पावर प्लांट। तो इसी तरह के सवाल आपको पूछे जा रहा, अब क्या पता आने वाले शिफ्ट में आपको पूछा, जैसे कि कल आपको पूछा गया था बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल से क्या निकलती है, तो मैंने आपको बताया था बर्निंग ऑफ कोल से क्या निकलती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। थर्मल पावर प्लांट भी आपको पूछ लिया गया है, तो आगे जाने वाली में आपको पूछा जा सकता है कोल, बर्निंग ऑफ कोल तो देख लिए, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो होंगे उसे जलाने से क्या मिलता है दोस्तों, मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट से आपको क्या मिलती है दोस्तों, यहाँ पे एसओ टू मिलती है, ठीक है। अब देखिए आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है कि जो व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, जो व्हीकल्स चलते हैं,
व्हीकल्स जो चलते हैं उसमें कौन सा रिलीज होता है सबसे ज्यादा? तो देखिए, आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हीकल से कौन सी रिलीज होती है। तो दोस्तों, व्हीकल से कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होती है, इस बात को भी याद रखिए। जहां भी इनकम्प्लीट कम्बसन होगी वहां से आपको क्या निकलेगी? कार्बन मोनोक्साइड निकलेगी। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट के बारे में देख लिया। तो बहुत ही ईजी थी सवाल पूछे जा रहे, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों वही भी हमने जो वीडियो आपको बताया है, सारे कोर्सेज जो मैंने करे, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आपको पूछा जा रहा है। भले 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल रहा है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर आप अंत तक देख लीजिएगा, एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में उसे जरूर शेयर करेगा। चलो हम देख लेते हैं कंप्यूटर से कौन कौन से सवाल आज हमें देखने को मिली है। दोस्तों, कंप्यूटर से भी आज बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल पूछा गया और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे, तो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे वीडियो से, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से सवाल आज आपको देखने को मिले। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, कल भी इससे एक सवाल पूछा गया था और आज भी पूछा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल पूछी गई थी, ठीक है। अब ऑप्शन क्या क्या थी दोस्तों वो हमें नहीं पता, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर की आपको क्या पूछी गई थी? एग्जाम्पल पूछे गए थे। तो आप इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल इससे याद कर लीजिए, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी एग्जांपल हो जाएगी जिसकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपकी एक एग्जांपल हो जाएगी। एक एग्जांपल आपकी हो जाएगी दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर, मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील भी मैंने आपको बताया था कल, डेजी व्हील प्रिंटर मैंने आपको बताया था, ठीक है। और एक और दोस्तों मैंने आपको बताया था ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। आपकी ड्रम प्रिंटर हो जाएगी, चेन प्रिंटर हो जाएगी, लाइन प्रिंटर हो जाएगी। तो इसी प्रकार के सारे एग्जांपल हो गए आपके क्या किए दोस्तों? इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है। अब देखिए एब्रीविएशन दोस्तों आपको लगातार पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अगर जो नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर दीजिए, मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिएगा दोस्तों, या फिर आप टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ पर जॉब गार स्टडी भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो सर्च हो गई तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं हुई तो आप नीचे दिए गए लिंक को जाकर के सर्च करिए। क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने आज शाम को मैंने यहाँ पे टॉप 130 प्लस, ठीक है, टॉप 130 प्लस आपको मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने अपलोड कर दिया है जो कि आपके किस चीज से रिलेटेड है दोस्तों? कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड 130 प्लस मैंने वहाँ पे फुल फॉर्म डाल दिया दोस्तों। अगर जो वो 130 प्लस अगर आप देख लेंगे तो आपकी एक क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएगी आपकी कंप्यूटर की, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जैसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे PDF वगैरह आपको डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों हम डायरेक्ट लिंक से, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट अभी कोई नहीं है जिसमें मैं आपको सीधा लिंक दे दूँ उस वेबसाइट की, इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा जो आपको PDF चाहिए तो, ठीक है। तो देखिए ये सवाल पूछे गए थे। अब एक और सवाल आपको यहाँ पे दोस्तों देखने को मिली थी, ठीक है। तो एक और सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिली थी कि विच वन इज रिलेटेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से क्या रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि रिलेटेड टू इंटरनेट। तो ऑप्शन में दोस्तों आपको दिए गए थे, ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिए गए थे जिसकी सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन, ब्राउजर हो गए आपके, और ऑप्शन में दिया गया था आपको माउस, इसी प्रकार से दिए गए। तो दोस्तों इंटरनेट से कौन रिलेटेड आपको पता है यहाँ पे दोस्तों? ब्राउजर इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ब्राउजर आपकी किस चीज़ से रिलेटेड है दोस्तों? इंटरनेट से, क्योंकि आप इसे ब्राउज तभी कर पाएंगे जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरनेट से रिलेटेड हो गई। अब एक और दोस्तों आपको सवाल यहाँ पे पूछा गया था, विच वन इज नॉट हार्डवेयर, नॉट हार्डवेयर, यानी कि ऑप्शन दिए गए होंगे कुछ, उसमें से आपको वहां से अलग करने थे जो हार्डवेयर नहीं हो, ठीक है। तो आपको पता है क्या दोस्तों? हार्डवेयर, हार्डवेयर वो हुआ जिसे हम टच कर सकते हो, जिसे हम देख सकते हैं अच्छे से, वो सारे आपके हार्डवेयर हुए। सॉफ्टवेयर वो हुए जिसे आप छू नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है आपको? तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लगातार सवाल पूछे जा रहे, सारे मैंने करा रखे दोस्तों। आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा, हमारी 3 घंटे वाली जो वीडियो है उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बेसिक बस आपको मुश्किल से 30 मिनट तक की बेसिक होगी और बाकी सारे वहाँ पे MCQs है, और सारे MCQs से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब एक और सवाल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आज के शिफ्ट में एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया था, एक फुल फॉर्म आपको, आज की जो फुल फॉर्म आपको पूछी गई थी दोस्तों वो थी EBCD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको सवाल में।
तो दोस्तों ईबीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एक्सटेंडेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान आसान से सवाल देखने को आपको मिल रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे आपको देखने को मिले थे आज के शिफ्ट में, फुल फॉर्म बहुत अच्छे अच्छे फुल फॉर्म आज आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म जैसे भी दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको बहुत अच्छी बात है, अब देखिए आपको जीएसएम ये सब की, आपको सीडीएम ये सब की याद करके रखनी पड़ेगी। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल होती है। ठीक है, और आगे आप याद कर सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ की, जीएसएम की आप याद कर लीजिएगा, और आपको जीपीआरएस की भी याद करनी पड़ेगी दोस्तों। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होती है। ठीक है, वेब की, देखिए वेब की आपको पूछी जा सकती है, मुझे लगता है वेब आपको जरूर देखने को मिलेगी आने वाले शिफ्टों में। तो वेब की होती है दोस्तों वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आपकी हो गई इसके। ठीक है, अब आगे आपको दोस्तों एचटीएमएल की आपको पता ही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे कहते हैं आप। ठीक है, क्लियर है आपको, तो यही सारी चीज़ आपको दोस्तों देखनी है। ठीक है, ज़्यादा आपको घबराने नहीं, सब हो जाएगी। पीडीएफ की फुल फॉर्म, अब दोस्तों एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, पीडीएफ, अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, तो पीडीएफ की फुल फॉर्म आप कम से कम जान लीजिए। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको जानने रखनी है। इसकी मतलब होती है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखिए दोस्तों एक और सवाल आज आपको देखने को मिली थी यहाँ पे। ठीक है, आज आपको देखने को मिली थी दोस्तों यूआरएल की। ठीक है, यूआरएल की आपको पूछी गई थी। जी हाँ दोस्तों, यूआरएल की आपको क्या पूछी गई थी, फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। थर्ड शिफ्ट में आपको पूछी यानी कि देखने को मिली थी। अब देखिए थर्ड शिफ्ट में तो देखने को मिली थी, सेकंड शिफ्ट में भी कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिला है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए आपने सुना होगा आईपी एड्रेस, आईपी जो होती है उसकी भी आप जान लीजिए कि आईपी भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आई है दोस्तों, ये आने की चांसेस है, ये आई है। अभी देखिए बाकी जितने सारे चीज़ें वो आने की चांसेस है। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आईपी की होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस तो आप जानते ही है, तो इस तरह की अब देखिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, बस आपको वहाँ पे जाकर के पढ़ लेनी है। ठीक है, 130+ वहाँ पे है कंप्यूटर से रिलेटेड पीडीएफ। अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको आज देखने को मिली है। तो अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई थी। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिस्टमेटिक से हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नियन, क्लोरीन हो गई पहले, फिर होगी आपकी फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हो गई आपकी, उसके बाद हो जाएगी आपकी नियन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये देखिए आप नंबरिंग यहाँ से कर लीजिएगा, 1 2 3 4 नंबरिंग हो जाएगी इसकी। अब आगे की मैं लिख देता हूँ, हमने कहाँ तक लिख ली दोस्तों, हमने लिख लिया मैग्नीशियम तक। इसके बाद होगी दोस्तों एल्युमिनियम जो आज आपको देखने को मिली थी, यानी कि 13। ठीक है, एल्युमिनियम की कितना होगी, 13। एल्युमिनियम के बाद होती है दोस्तों सिलिकन, सिलिकन के बाद आपकी होगी फॉस्फोरस, फिर होगी सल्फर, फिर होगी क्लोरिन, फिर हो जाएगी आपकी आर्गन, फिर हो जाएगी पोटाशियम, फिर हो जाएगी कैल्शियम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप बढ़ेंगे फिर हमारी 21 से। देखिए ये तो हो जाइए दोस्तों 20 तक, तो 20 तक आपको फर्स्ट 20 को इसी तरह से याद करनी है। अब 20 के 21 के बाद से दोस्तों आपको
मैंने जो ट्रिक बताई थी वीडियो में वो बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद रखें, आज एल्युमिनियम पूछा गया दोस्तों, तो हो सकता है आपको सिलिकत देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको मैग्नीशियम देखने को मिल जाए, पोटासियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी चीज़ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बैठा लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है आपको? तो ये सारी चीज़ केमिस्ट्री में आपको ध्यान दे के चलनी है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम फिजिक्स से कुछ रिलेटेड बात कर लेते हैं कि फिजिक्स से क्या। तो फिजिक्स में इनर्शिया से रिलेटेड एक सवाल पूछी गई थी, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं बता रहा, तो क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि इनर्शिया से एक सवाल पूछी गई है दोस्तों, और एक सवाल आपको ब्लॉक से पूछी गई थी। देखिए टेक्निकल में भी आपको ब्लॉक से पूछी गई थी। सपोज कि एक पाथ है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की पाथ है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जी हाँ दोस्तों। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें एक ब्लॉक लगी हुई है, ठीक है, एक ब्लॉक है दोस्तों, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें एक ब्लॉक लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें एक ब्लॉक लगी हुई है, चलिए, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक ब्लॉक लगी हुई है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि इसको फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर की तरफ, क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, फोर्स लगाई जा रही है। तो आपको पूछा गया था कि हॉरिजेंटल पाथ में फोर्स की कंपोनेंट क्या होगी, ठीक है, फोर्स की कंपोनेंट क्या होगी हॉरिजेंटल पाथ में, ये आपको इस सवाल में पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए, अगर जो इस तरह की कोई बॉडी रहेगी, कोई इंक्लाइंड प्लेन में कोई ब्लॉक लगेगी, तो इसका क्या होता है दोस्तों, हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सपोज कि आपकी बॉडी हो गई, आपको पता है किसी भी बॉडी पे एक फोर्स लगती है, किसके कारण दोस्तों, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, mg कहते हैं, यानी कि जो वेट लगती है, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होती है, तो लेकिन हम एक्सलरेशन नीचे की तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसको mg लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी mg हो गई। अब देखिए इस तरह से फिगर है, तो आपको पता चल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन ये है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब देखिए एंगल जो बनेगी दोस्तों, ये ऊपर जा रही है एंगल, अगर जो हम इसे हॉरिजेंटल ऐसे लेंगे, तो एंगल कहाँ बन रही है, यहाँ एंगल बन रही है, तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, एंगल बना लिया थीटा डिग्री, ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए जब यहाँ पे थीटा डिग्री जब दोस्तों यहाँ पे बन जाती है, तो जो एंगल जिसके साथ फोर्स की सटी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एफ कोस थीटा लिखते हैं, ठीक है, कोस थीटा के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, और जो इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल इस पे लगेगी, ठीक है, क्लियर है आपको। और जो यहाँ पे अपोजिट एंड में जो इस पे फोर्स लगती है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे थीटा तो लग गई, ठीक है, फोर्स यहाँ पे लगे, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, देखिए जहां भी ये एंगल जुड़ा रहेगा, जिस लाइन के साथ एंगल जुड़ा रहेगा, वहां पे आपको कॉस थीटा लिखना है, और जहां पे लाइन नहीं जुड़ा रहेगा, वहां पे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ साइन थीटा। तो आपको क्या पूछा गया था, फोर्स की कंपोनेंट दोस्तों किसके पाथ में, हॉरिजेंटल पाथ में। अब देखिए हॉरिजेंटल पाथ क्या है दोस्तों, हॉरिजेंटल इसको कहते हैं हम, तो फोर्स की कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो गई, ठीक है। और जो आपको वर्टिकल पूछा जाता है, तो आप क्या लिखते हैं दोस्तों, mg प्लस एफ साइन थीटा लिखते हैं। तो इसी प्रकार की एक छोटी सी सवाल आज आपको देखने को मिली थी एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज पे आप ध्यान दिया करिए, बहुत ही छोटी छोटी है। अब देखिए अब आपको ये भी देखने को मिल सकता है, मान लीजिए आपको वेलोसिटी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ दिया जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन से पूछ दिया जाए, यू प्लस ए टी होती है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, ठीक है, और आपकी एक और होती है पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आपको सवाल जरूर देखने को मिल सकती है आने वाले शिफ्ट में। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ज़्यादा टफ नहीं रहती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बस यही थी छोटी सी, ये वाली चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इसलिए क्योंकि फोर्स की कंपोनेंट तोड़ने आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इससे। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं आज के हमारे वीडियो में, और बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो सारे सवाल आप जानते होंगे। तो दोस्तों आप बस एक आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, और हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए आपके 3 आवर की जो वीडियो है उसे आप देख लीजिए, अगर जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए अब पढ़ने का टाइम नहीं रहा दोस्तों, ठीक है, अब आपको बस माइंड को एकदम फ्रेश रखनी है और थोड़े थोड़े रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आप 100% एकदम सिक्योर फील करिए कि आप आराम से सारे क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे, अगर जो आपने हमारे वीडियो देखा है तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन की एनालिसिस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में अगर जो एग्जाम है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और जिन स्टूडेंट की एग्जाम आज अच्छी गई उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनकी अच्छी नहीं गई दोस्तों आप घबराइएगा मत, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करनी है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम आने को, आपको मेहनत करना है, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।